नमस्कार मेरे देश के वासियों, एंड सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई अगर जोधपुर इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड काम या कार्य या वर्क जो भी जिस भाषा में भी आप समझते हो उस लैंग्वेज में मैं कहता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड जैसे लकड़ी का काम, जैसे वुड वर्किंग की काम में आने वाली मशीन है, करीब सभी दोस्तों को ये अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस मशीन को बदल के मैं ये सौगात देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो पुराने टाइप की देसी ड्रिल हम यूज़ करते हैं और अभी भी कभी भी मार्केट में यही वाली ड्रिल हमें देखने को मिलती है, मतलब हालांकि देसी सिस्टम में ले कर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कलर वलर करके, थोड़ा सा नहीं, इसको पूरा चेंज करके ये एकदम ऑटोमेटिक फुल्ली लोडेड काम करेगी और आपके सामने क्या बजट निकल के आएगा। और इस मशीन को, और ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेड मशीन का पार्ट है जिसके अकॉर्डिंग इसको ड्रिल को मतलब किया जाएगा। अभी हमारे पास ना ड्राइंग है ना कुछ है, एक सोची समझी प्लानिंग है, उसके तहत इस मशीन का काम आपके सामने मतलब पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन जो जो काम ने मुझे शूट करने को मिला ये अभी भी इस ड्रिल की अगर खोली ओपनली आप लोगों ने कभी देखी है किस प्रकार की पुली सापाट जैसा मैचिंग बिट वगैरह जो आता है, ठीक है, हम इसको बिल्कुल एकदम बदल देंगे। बदलते हुए निकार को देखेंगे और आप देखेंगे कि इसमें कितने फीचर्स है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा अधिकतर काम आने वाली चीज़ें हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हैंडीक्राफ्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है, ठीक है। उन्हें खास तौर से बाहर से इम्पोर्ट करके नहीं करके ऐसी मशीन तैयार करवा सकते हैं जिससे कि हैंडीक्राफ्ट में बेनिफिट आ सके, उनको बहुत अच्छा थिकनेस इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के बैरिंग वगैरह अपने को इसके अंदर लगाने, जैसे कि एक काम भी इम्पोर्टेंट होगा तो इम्पोर्टेंट चीज़ बन रही है तो इम्पोर्टेंट के तहत बनेगी, ठीक है। तो ये नीचे का लोडिंग बैरिंग पेपर रोलर बैरिंग लोड अधिकतर झेल लेता है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये हम जो भी इम्पोर्टेड बिट लगते हैं मशीनों में, जो कि अभी ताइवान से या चाइना से जो परचेज करके मशीनें आ रही है, इसमें फ़िलहाल इस प्रकार से टूल लगाने का सिस्टम दे रखा है जो कि ख़राब नहीं होता अधिकतर। हमने अंदर का टूल चेंज किया और सालों साल चलता है, जबकि हम देसी वाले ड्रिल के नीचे जो भी टूल लगाने के लिए यूज़ करते हैं उसे बार बार चेंज करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोलिक पम्प की जो होगी उस हिसाब से ये ऑयल प्रेशर देगी पंप को, और ये जो अंदर का टूल चलेगा आपको उसके ऊपर का गार्ड है, और ये हमने सापट बनाई है एकदम इस ड्रिल के अकॉर्डिंग चलेगी कैसे वो भी आगे हम बताएंगे। और ये ऊपर का जो हिस्सा है आपको पता ही है ड्रिल के साइड का लगता है, ऊपर इससे कवरिंग लगेगा। ये पीछे के चेकनेट है जो कि सापट को अंदर पूरी तरीके से इसको कैच करेंगे। देखो फटाफट में इतना ही कह सकता हूँ मैं, तुम समझना और समझ के इस वीडियो पर राय देना, ठीक है। ये आगे का मुंह बंद करने का सेट है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बिल्कुल पैक कर देंगे और इस ड्रिल के अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। सारा चीज़ मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी को बनवानी भी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से वीडियो में नहीं बना पाओगे, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये सारा सिस्टम मैं बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ही बनाई है। आप इसको एकदम अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा काम सिस्टम वाइज हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से काम मैंने करवाया है उसी तरीके से मुझे ये मैचिंग मिला है। और देखिए ये बॉडी वही है जो कि पुरानी वाली ड्रिल, जो कि एकदम साइड में हमने एक पैर में जैसे वेस्टेज माल में रख दी थी। ये अंदर टूल बिट जैसे कि हमारे मोटराइजर इम्पोर्टेड मशीन में यूज होता है, केबल को डाउन करने में आगे पीछे करता है। ये बिट है जो कि इसके अंदर जैसे ग्रिप लगी हुई है और बैरिंग टाइप की गोलियाँ लगी हुई है, ठीक है। साइज़ भी इसके ऊपर लिखी हुई है एंड इसकी थिकनेस वगैरह भी इसके ऊपर ही आएगी आपको दिखने में, अगर देखने में समझ में आता हो तो, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि आप बाहर से परचेज ना करके अगर इंडिया में इस तरीके का फीचर्स तैयार करें ना तो बहुत ही कम रेट में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपको पूरा इम्पोर्टेड सिस्टम में मिलता है, ठीक है। ये मोटर है जो कि भी इम्पोर्टेड मशीन की है, जिसमें कटर में बिल्कुल ये साइड लगाई जाती है, यह कोई काम नहीं आती फैक्ट्री में,
बिल्कुल स्पेयर में मोटर की, और इसके ऊपर भी ये जो पुली लगी हुई है ये बेल्ट वाली पुली है, ग्रिप वाली पुली है, ठीक है, बेल्ट लगी हुई है इसके, जो कि बेल्ट बहुत कम ख़राब होती है, बहुत ही सालों साल चलती है, ठीक है। चाबी भी तुम्हें पता हो तो इससे जो पुली लगाई जाती है उसको चाबी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कटने का चांसेस बढ़ता है, हर 3.5 महीने 4 महीने में जो वही चाबी कट जाती है, वेल्डिंग ऐसा ही भरा जाता है और धीरे धीरे वो सापट पूरी ख़राब हो जाती है। फिर बार बार जैसे कि ड्रिल करने का इम्पोर्टेड सिस्टम तो हमारे इंडिया में अभी तक मैंने देखा भी नहीं है, जो भी मशीनें परचेज करते हैं वह सब बार की करते हैं, ये हमने सापट को पीछे से बिल्कुल निकल करवाया है, इस प्रकार की अगर बेल्ट चलेगी इस पे तो वो बिल्कुल आसानी से ऊपर नीचे हो पाएगी, ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेड की सिस्टम की तरह रखा है, क्योंकि इसके पीछे हमने चाबी नहीं पड़वाई है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ तो चाबी ही है हमारे इंडिया में जो बनी है, उसको वो चाबी कट जाती है। यह आगे का बुशिंग है जो कि हाउस कह सकते हो इसको इस तरीके से आप, और साइड में पंप भी हमने अभी तक डेमो के लिए लगा रखा है, ये साइड गियर है जो कि इसको ऊपर नीचे करता था, वो हाथ से हैंडल हमने इसमें हटा दिया है। ये हमने बुशेस जो बनाए हैं वो सापट इसके अंदर जाए ताकि स्पीज वगैरह लंबे टाइम तक ख़राब ना करे, एकदम पंप के अंदर भी आपने देखे होंगे कभी भी बुश और जो लगते हैं बुश इस तरीके से ही लगते हैं, ठीक है, लोहे में नहीं बनती, वो ख़राब कर देते हैं। मोटर अभी हमने इस प्रकार से सेट की है, लेकिन देखने को कुछ चेंजिंग मिल सकता है इसमें, आगे वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा। और ये देखिए ऊपर नीचे का सिस्टम जो है अभी फ़िलहाल इसी का है, ज़्यादा हमने इसमें फेरबदल नहीं किया था क्योंकि इसके कम से कम पैसे में एक अच्छी से अच्छी मशीन तैयार हो सके। ये देखने को जो टैंक है, दोनों टैंक जो कि हाइड्रोलिक पंप को अप डाउन करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनमें ऑयल भरा जाएगा, ठीक है, और ये मशीन पर ही लगेंगे। आप देख सकते हैं मशीन किस प्रकार से तैयार हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग छोटी छोटी है उसको मिला के मैंने किया है, बाकी अभी आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इस टाइप से ऊपर नीचे में वो सापट होगी और बेल्ट जो लगेगी वो देखिए आप, अभी जो इससे सारा सिस्टम लग के ये हॉल करके आपको दिखाएगी, इसीलिए वीडियो बैक टू बैक सारा सिस्टम इसमें दिया है, ठीक है। और शेयर ज़रूर करना भाई मेरे, कहीं से भी अगर आप लोग इसे देख रहे हो बनाने की कोशिश कर रहे हो तो भी बड़ा अच्छा चीज़ है, क्योंकि ऐसा चीज़ किसी ने बनाया है, क्योंकि इसमें मशीनें बनाना एक हंसी खेल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार कुछ बनाए होंगे। ये देखिए आप ऊपर जिस कसीम से इसको सापट को लगाया है बिल्कुल ये सापट ही रहेगी यहाँ पे बेल्ट चलने के लिए, ठीक है, बॉडी पुरानी ही यूज़ लिया, ज़्यादातर इसको खर्चा बिल्कुल हमें बहुत कम बे बराबर बैठा है, रिलेटेड अगर इम्पोर्टेड करें तो समथिंग हमें 10 लाख के बाहर जाएगी ऐसी मशीन, ठीक है, जो कि इंडिया में बिना टैक्स सर्वर टैक्स सारा सिस्टम फ्री होता है। अगर आप चाहो आपकी कंपनी में बने, अगर आप चाहो तो आपसे बाहर भी बनवा सकते हो, लेकिन कांटेक्ट करना ज़रूरी है उसके लिए। ये देखिए आप सापट उसी की तरीके से घूमेगी, और वीडियो में कुछ फिर बदल जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो छोटे छोटे बने थे, एक मशीन को बनाने के लिए और फिर उसको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ऐसा नहीं बनता मशीन, इसे हमें बनाने में टाइम लगा है, हालांकि ये वीडियो अभी हमने पूरा बना के आप लोगों के सामने रखा है। और ख़ास तौर से जोधपुर हैंडीक्राफ्ट जो कि इम्पोर्टेंट मशीनें यूज़ लेते हैं उनके लिए इस मशीन को एक बहुत ही अच्छा वरदान मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये कपड़े वाली मशीन, उन्हें पता है ज़्यादातर चीज़ें जो लगी है वो इम्पोर्टेंट मशीनों में भी यूज़ होती है और यह ख़राब भी बहुत कम होती है, ठीक है, इसको देख के ये मशीन हमने तैयार की है। और इसको पूरा एडवर्टाइजमेंट जो भी था वो हमने वीडियो बना के इसीलिए डाला है कि अगर किसी भाई को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये हाइड्रोलिक से काम करती है, प्रेशर से काम करती है और पूरा मैन्युअली पैनल है इसका, एकदम पूरा सिस्टम एकदम अच्छे से बनाया, ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये पंप हमने लगाया है, पंप लगा के ये साइड वाला ये पार्ट नया बना है जो कि हमने यही बनाया है, पंप टेस्टिंग इस कदर से पंप नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, पंप ही इस बिट को ऊपर नीचे करेगा ताकि किसी को और आपको हाथ लगा के करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझदार हो आप। ऐसी अगर आपने मशीन देखी है ना ड्रिल मशीन,
जिसमें आपको अच्छे से पता है कि उसमें क्या क्या परेशानियां हमें झेलने को मिलती है। ठीक है, वही काम अगर पूरा अपने आप मशीन करे ना तो ख़राब नहीं होती। ये भी देखो अपनी जो बनी है ये भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसमें हाथ से दबाने में हमें पता नहीं चलता। वैसे ही कि अगर मशीन खुद करेगी तो मशीन को सब कुछ अपने आप पता होगा, और अगर इसके से दूसरा आदमी करेगा तो टूल की धार नहीं होने के कारण बिट अपने आप रुक जाएगा, लेकिन दूसरा क्या करेगा, जोर लगा के उसको नीचे की तरफ करेगा। इसके कारण टूल भी काफ़ी टूटते हैं, गर्म हुए टूल को झटका लगने का काम रहता है, तो इसलिए पूरी मशीन अपने आप वर्क करेगी। पूरा बंदे को केवल इस पर अपना माल वर्क लगाना है। इसमें टैबले वगैरह जो रखी वो हमने सेम रखी पुरानी वाली। अगर ज़्यादातर हमें रियर केस में दाएं बाएं ऊपर नीचे करनी हो तो हम लगवा सकते हैं, ऐसी टेबल भी बन सकती है जो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है। ठीक है, मैं रुका इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बोला है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए पर मुझे मेरा बोलना ज़रूरी है। मैंने जिस किस्म से भी ये वीडियो मुझे आया मैंने आप लोगों के बीच में रखा। ज़्यादातर लोगों को अगर पता हो हैंडीक्राफ्ट के बारे में तो वो मेरा सहायता ज़रूर करेंगे। देखिए पहले मैंने इसमें एक बैरिंग, दूसरा जो स्केप जो नॉर्मल बैरिंग आता है उसे लगाया था, लेकिन ड्रिल की हार्ट जो कि स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इसके कारण ये इसमें नॉर्मल बैरिंग नहीं चला था। ये भाइयों को कह दूँ अगर कोई ट्राई करता है तो इसमें बैरिंग जो लेके आते हो दोस्तों, अगर आपके इस कस्टम का अगर इम्पोर्टेड पार्ट बनता है तो उसमें बैरिंग जो आता है ना वो, उसका नाम मैं आपको बता दूँ कि NHK और जो जापनीज बैरिंग आते हैं ना हाई स्पीड बैरिंग कम से कम 2000-2500 के, तो अगर आप लॉन्ग टाइम अपनी कंपनी के लिए बनाओगे तो इस किस्म की मशीन बनाना, तो वो आप अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से ही उसे मैच करना। ठीक है, ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप मुझसे बनवाना चाहते हो तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ये आपको मशीन बना के बिल्कुल कम टाइम में दे सकता हूँ। ठीक है, जो चीज़ होगी वो होगी, इसके अंदर आप दे सकते हो। ये बैरिंगों को ग्रीस किया और ये मैंने टूल हाथ से चलाया है। ठीक है, जो पैड करा के एक बार हाथ से पता चलता है कि टूल टाइट होता है या नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मली ऐसे चला के इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आगे टूल भी लगा रखा है। दूसरी बात दोस्तों, इसके देखिए NHK का बैरिंग मैंने इसमें डाला है, ये वाला बैरिंग मैंने करीबन इसकी ड्रिल की ये मैचिंग जो था वो बिल्कुल उसी किस्म का रखा, क्योंकि साइज वही थी वहाँ पर। ठीक है, बॉडी दूसरी थी, तब बॉडी दूसरी में मुझे ये फिटिंग बतानी थी, इसलिए मैंने ये ग्रिप यही बनवाई। ये मैंने पूरा सेट नया बनाया है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इस किस्म से, ये जैसे आपकी CNC मशीन होती है, जो टूल CNC में लगते हैं उस किस्म के इसमें सारे टूल लगा देंगे, बस इसमें एक अंदर का जो ग्रिप होता है वो चेंज होता है। अगर किसी के CNC या इस तरीके का टूल लगाने का काम पड़ा है तो उन्हें अच्छे से पता है कि ये 16 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, ये सारे अलग अलग आते हैं, इसके अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी बाहर की साइज अलग वही रहती है और अंदर की साइज बदलती है, तो इस किस्म के आपसे बस उसके बाद इसके अगर इस किस्म की स्पीड होती है ना ज़्यादा, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो टूल लगाते हो वो इम्पोर्टेड टूल होंगे, पहने वाली बात ये है। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल जो ये जो डुप्लीकेट टूल आते हैं वे नहीं चल रहे, जो इसमें अपन लगाते थे वे टूल आप लगा के देखोगे तो आपके सामने आधे घंटे में या 15 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धार वाले टूल चाहिए जो एकदम बिक जाए, एकदम खतरनाक जैसे। ठीक है, इम्पोर्टेड जाते हैं इस किस्म से आपने इम्पोर्टेड, ये आगे का सिस्टम जो कि मैंने चालू करने का इमरजेंसी और बंद चालू करने का यहाँ से रख दिया है। ठीक है, फिर मैंने ये पागा लिया है एक, और ड्रिल दबाने से पहले एक बार इससे चालू होगी, फिर जैसे पुट से आप प्रेस करोगे ना तो ये बिल्कुल नीचे आएगा, और जितना गेज आप इसमें सेट करोगे उतना ही गेज आपको इसमें फिक्स होगा, उतने का ही हॉल करेगी। ठीक है,
जैसे आप मोल्डर या मल्टी बोरिंग सिस्टम से अगर मैच करो ना, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, इसे बंद कर दीजिए आप। और ये नीचे दिख रहा है लिमिट ट्यूब है, और ये अपने हाइड्रोलिक टैंक हो गए, और इस तरीके का पैनल बना के मैंने इसमें फिक्स किया है। ठीक है, ये भी एक कम खर्चे में सेट हो ऐसा। ठीक है, मैंने खुद से पैसे बिल्कुल कम लगाए हैं कि कम से कम कितना आता है। वो इम्पोर्टेड मशीन के बराबर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि इस बार में दूसरी बार में और ज़्यादा इसको अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। ठीक है, पार्ट और आप देख लीजिए, एकदम फुट प्रेस करने से ये होता है कि बंदा दोनों तरफ से अपना वर्क जो आप जो भी इसके नीचे लगाता है तो दोनों हाथों से पकड़ के रख सकता है और टूल अपने आप नीचे आएगा। ठीक है, अब उसमें जोर है किस किस्म का क्या है वो सब टूल अपने आप करेगा, आपका हॉल किया फिर वापस ऊपर लेट जाएगा। ठीक है, या आप जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार मशीन नीचे आएगी, चालू मशीन नीचे करने के। ठीक है, इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का भी सिस्टम लगता है और ये टूल नीचे आएगा, नीचे आके हॉल करके वापस रिटर्न ऊपर हो जाएगा। इसका काम यही रहता है, इस लिमिट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जितना इस लिमिट से उसको ऊपर नीचे करोगे आपके उतनी मशीन ऊपर नीचे का काम करेगी। ये यहाँ से लिमिट को नीचे करने का ऊपर करने का सिस्टम मैंने लगाया। बाकी इसमें साइंसर सिस्टम भी लग सकता है, वो जैसे पैसे खर्च करने हैं उसमें उसके हिसाब से, लेकिन वो भी इम्पोर्टेड मशीन से कम ही पैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ का सिस्टम को सिर्फ सोलनाइट वाल्व को सिस्टम सेट कराना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये अब देखते कम से लगाओगे। ठीक है, ये एक बंदा हॉल कर रहा है, ये भी देखिए आप, लाइट का वीडियो था ही थोड़ा, इसलिए धुंधला आया है, ये वही ड्रिल है और उस अकॉर्डिंग भी ये हॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये मोटर है, इस पर पुली हमने छोटी कर दी और मोटर भी काफ़ी ज़्यादा गेयर बॉक्स वाली लगा दी। मोटर भी आगे पीछे होती है, बेल्ट भी इस पर बहुत तेज़ी वाली लगाई है और ये बेल्ट कभी ख़राब नहीं होगी। इस पर काम इतना फास्टली हो गया। ठीक है, हाथ से हम इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही धासु आइडिया बनता है दोस्तों इस किस्म का। ठीक है, ये एक तरीके का मोल्डर जैसे बिट हम वो यूज लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम सारे इसमें टूल लगा सकते हैं। केवल सीएनसी की सापट को देख के इसकी सापट तैयार की गई है, इसीलिए क्योंकि सीएनसी में सारे बिट लग सकते हैं। ठीक है, 6 mm से, 5 mm से, 4 mm से, 10 mm से, उस SM से। एक और बात बता दूँ मैं आपको कि जो ये टूल इम्पोर्टेड अब देसी टूल यूज़ हो रहे थे उसकी हॉल अगर आपको हैंडीक्राफ्ट में काली या धरिए पड़े जैसी आती होगी, लेकिन इसी देसी से इंग्लिश मशीन पर अगर आप हॉल ड्रिल करोगे ना तो वो क्या होगा पता है, आपको इम्पोर्टेड मिलेगा एकदम साफ क्लीन एंड नीट। ठीक है, दूसरा इस पर आदमी का काम फास्ट हो गया। इसको खुद से प्रेस करना है और आगे करना है, उसमें क्या होता है आदमी को करके रखना पड़ता है। बोल करें जो देखिए आप, एक लंबी पट्टी में एक बंदा होल्ड कर रहा है, ये पूरी मशीन बन गई है। तरीके की मशीन आपने पहले वीडियो में देखी है, दूसरे इस वीडियो में आप लोगों ने देख रहे हैं, ये मशीन जो पूरी बनाई है। अब ऐसी मशीन आप भी बना सकते हो, हमसे इस वीडियो में कॉन्टेक्ट करके आप बिल्कुल अच्छी मशीन तैयार करवा सकते हो। अगर आपके पास कोई मशीन है तो आप किस किस्म से इसकी मशीन को कैसे कट करते हो वो आपसे निर्भर करता है। हम आपकी ये पूरी मशीन जहाँ आपके काम भी करें उस किस्म से करना सकते हैं, और पूरी मशीन ऐसी लगती है कि आपको बिल्कुल आगे चलेंगे। और पूरी ऐसी नहीं, अगर कोई दूसरी मशीन भी अगर आपके रिजल्ट सही है तो भी आप हैंडी आपके इम्पोर्टेंट मशीन है तो रिजल्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी मशीन हो उस मशीन को हम अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं।